हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है बच्चों आज हम चैप्टर फर्स्ट क्लास ट्वेल्थ एनपीओ पी नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये पढ़ेंगे और इसमें मैंने दो वीडियोस पहले बनाई हैं एक तो इस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इस कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर को समझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे और सेकंड रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट पे और ये थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ध्यान रखना जिस तरह प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं क्या बनाती हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस तरह ये जो एन होती हैं दिस वन ये बनाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं तो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे कि आप देख रहे हैं और हमने ये पढ़ा था आपको पता है कि जो एन होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सेटअप फॉर दी पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ये पैसा कमाने के लिए एस्टेब्लिश नहीं होती ये जो एनपीओ बनाई जाती हैं ये सर्विसेज रेंडर सर्विसेज़ करने के लिए होती हैं टू दी कॉमन पब्लिक और टू देयर सोसाइटी मेंबर्स आपके जो एन होते हैं तो इनकी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं अपने ट्रस्टीज वगैरह होते हैं इनके लिए या फिर कॉमन पब्लिक के सर्विसेज के लिए बनाई जाती हैं ठीक है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं तो इसलिए क्योंकि ये चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है ये बनाती हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बनाती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये एन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये क्या बनाती हैं तो ये एन जो प्रिपेयर करते हैं एन वाले क्या प्रिपेयर करते हैं ये बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट ये तो यह निकलता है ये तो निकलता है मीन्स ये भी मेनटेन करते हैं अपने करंट ईयर के खर्चे इनकम को लेकिन उसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते प्रॉफिट लॉस अकाउंट ओनली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और एनपीओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है ये भी करंट ईयर के लिए स्ट्रिक्टली करंट ईयर के लिए बनता है और इनकम एंड गेंस आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट इसमें क्रेडिट होती है जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होती हैं जबकि एक्सपेंसिज और लॉस होते हैं वो डेबिटेड होते हैं ठीक है, है? वही प्रोसेस है जैसे आइए इसके फॉर्मेट की ओर चलते हैं आपको सारी बातें क्लियर होंगी पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या इसमें आता है क्या नहीं आता देखिए ध्यान से ये हम इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ क्या लिखा है डेबिट साइड ये डेबिट साइड है और इसमें लिखा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या लिखा है इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इट मीन्स इसमें सिर्फ ओनली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं ये ध्यान रखना ओनली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं और क्रेडिट में क्या आता है ओनली रिवेन्यू इनकम्स क्या आता है ओनली रिवेन्यू इनकम्स ठीक है तो सारी इनकम्स यहाँ आती हैं और सारे एक्सपेंडिचर यहाँ आते हैं रिवेन्यू के सिर्फ कैपिटल एजर के नहीं आते हैं ओनली रेवेन्यू क्या होते हैं और स्ट्रिक्टली फॉर करंटियर बनाया जाता है ये स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली ये स्ट्रिक्टली बनता है फॉर करंटियर ध्यान रखना स्ट्रिक्टली फॉर करंट ईयर ये स्पेशल करंटियर का बनाया जाता है इसमें सिर्फ करंटियर वाले आइटम आते हैं आगे पीछे के नहीं आते हैं ठीक है आप थोड़ा सा पढ़ते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है कौन से रिवेन्यू एक्सपेंसिस फॉर अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन पेड और नोट अलाऑटनी प्रीपेड वगैरह भी आ जाएंगे इसमें जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के आते हैं जो इस साल के हैं ठीक है, है? चाहे उन्हें पेड किया गया है या नहीं किया गया और इस तरह जो रिवेन्यू इनकम्स आती हैं ये वाली रिवेन्यू इनकम्स भी आती है अकाउंटिंग पीरियड की वेदर दे हैव नॉट बिन रिसीव्ड और नोट चाहे वो मिली हो ना मिली हो लेकिन जो इस साल की हैं वो जरूर आती हैं ठीक है और नॉन कैश एक्सपेंसिज सच एज ये भी इसमें आते हैं नॉन कैश जो है डेप्रेशन वगैरह सब यहाँ डेबिट हो जाएंगे इधर ये भी आते हैं लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिवेन्यू या कैपिटल इनकम्स या कैपिटल रिसिप्ट कह देंगे ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देंगे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था जो कि एक साल से ज़्यादा के लिए होते हैं वो जैसे परचेज करना लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर ये यहाँ नहीं आती है बैलेंस शीट में आते हैं तो इसमें नहीं आते है। ऐसे ही कैपिटल अचीव या कैपिटल इनकम जो होती है डोनेशंस लीगेसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लाइफ मेंबरशिप ये भी यहाँ नहीं आती हैं ये बैलेंस शीट में आती हैं ठीक है तो ये यहाँ नहीं आते हैं तो इट मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है स्ट्रिक्टली फॉर करंट ईयर होता है इसमें डेबिट साइड में सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं दिस वन क्रेडिट साइड में सारी रिवेन्यू इनकम्स आती हैं ठीक है थीके? और कैपिटल स्टिफ्ट नहीं आती है नॉन कैश आइटम में डेप्रिशन वगैरह आ जाते हैं डेबिट होते हैं इट मीनस आपको मैं एक बात और बता दूं जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जो जो चीज़ें हम डेबिट करते थे डिमेंड्यू की वो सारी आती हैं ठीक है ठीके? और जो जो चीज़ क्रेडिट करते थे वो क्रेडिट साइड आती हैं देखिए इसका फॉर्मेट देखते हैं आपको सारी बात क्लियर होगी ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिस वन ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ठीक है इसका फॉर्मेट है ध्यान से देखें ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फॉर द ईयर वगैरह लिख लेना आप कोई बड़ा मैटर नहीं है वो तो डेबिट साइड क्या आता है सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं ध्यान से देखें जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं वही है सैलरीज रेंट कैरिज ऑन परचेज ऑडिट फीस प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑनोरेरियम डेप्रीसी पेड ठीक है टू इंश्योरेंस प्रीमियम पेड तो ये सारी चीज़ें आती है और क्रेडिट साइड ये सारे क्या हो गए ये सारे के सारे क्या हैं आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट साइड आता है बाय सब्सक्रिप्शन बाय डोनेशन ये जनरल डोनेशन की बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय प्रोसिट फ्रॉम चैरिटी शो ये तो सारा का सारा क्या है ये रिवेन्यू इनकम्स है तो सिर्फ रिवेन्यू आते हैं ध्यान रखना हम ठीक है इनकम तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू इनकम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे डेबिट होते हैं रिवेन्यू इनकम सारे क्रेडिट होते हैं और क्या आता है अगर हम क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है दिस वन ये वाली साइड अगर ज़्यादा आती है दिस वन यहां बैलेंस निकाल रहे हैं मान लो तो ये जो आंसर आता है आपका दिस दिस वन तो इसका नाम होता है सरप्लस क्या बोलते हैं ऐसे सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड बैलेंस शीट में जो करंट क्लोजिंग की होती है वहां ट्रांसफर हो जाता है जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसमें नेट प्रॉफिट निकलता था तो नेट प्रॉफिट के तरीके इसका नाम है सरप्लस ठीक है और ये कब आता है ये तब आता है अगर आपकी इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स करती है एक्सीड ओवर डेबिट साइड ठीक है या रिवेन्यू साइड एक्सीड करती है यह वाली क्रेडिट हाइड ज्यादा आएगी तो डेबिट साइड तो क्रेडिट हेड अगर डेबिट हेड के ऊपर आती है तो सरप्लस आता है दिस वन और इसका रिवर्स अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा बड़ी आती है तो यहां पर आता है इसको हम डेफिसिट बोलते हैं दिस वन डेफिसिट ठीक है यह कब आता है यह तब आता है जब इफ डेबिट साइड एक्सीड क्रेडिट साइड अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो क्रेडिट साइड बैलेंस निकल कर आएगी डेब क्रेडिट साइड ज़्यादा रही है तो डेबिट साइड बैलेंस भी निकल आएगी डेबिट साइड आएगा तो सरप्लस बोलते हैं इसे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और इसको बोला जाता है यहाँ और यहाँ पर्टिकुलर्स नहीं आते हैं आप ध्यान रखें यहाँ जो आते हैं सारे एक्सपेंडिचर आते हैं इसका नाम एक्सपेंडिचर का है पर्टिकुलर ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है और इसका है इनकम क्या है ये इनकम इनकम साइड होती है ये ठीक है और ये जो भी बैलेंस निकलते हैं दोनों के दोनों कहाँ ट्रांसफर होते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल फंड होता है दिस वन इस कैपिटल फंड में मेंड हो जाता है सरप्लस सरप्लस सर एड हो जाता है दिस वन और माइनस हो जाता है डेफिसिट अगर निकलता है तो ठीक है आइए और देखते हैं आगे ये सारा देखो एक, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ध्यान से देखें सारे के सारे रिवेन एक्सपेंसिज हैं वैसे तो कोई को ज़्यादा बड़ी लिस्ट कितनी भी हो सकती है लेकिन आप सेलेक्टेड सिलेक्टेड ध्यान से देखें चैरिटीज आ गई टूर्नामेंट एक्सपेंसिज आ गए ठीक है और सैलरीज वेजिस कंज्यूमेबल रेंट रेट टैक्सी सब पेड वाले हैं पेड एक्सपेंडिचर है ये इसमें डेबिट साइड क्या आता है ये डेबिट साइड आता है एक्सपेंडिचर सारा का सारा ए दिस वन और क्रेडिट साइड आ जाता है आपका इनकम सारी ठीक है इनकम्स क्रेडिट हो जाती है एक्सपेंडिचर डेबिट हो जाते हैं पोस्टे स्टैम्प्स टेलीफोन एक्सपेंसिज एडवर्टाइजिंग सेंडरी मिले जुले खर्चे एंटरटेनमेंट अप ऑफ फील्ड डेप्रिशिएशन फिक्स एसेट्स ठीक है फिक्स एक्सर डेस्ट्रॉयड लिखा ध्यान रखना जो डेस्ट्रॉयड हो गई हैं खराब हो गई हैं वो आती हैं मिस एक तरह से हम राइट ऑफ कर दिए हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स अड लॉस ऑन सेल ऑफ से इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वाला है तो ये सारे के सारे खर्चे डेबिट हो जाते हैं जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट और बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स में वो सारे आते हैं और क्रेडिट साइड सारे रिवर्स हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इनकम है रिसीव्ड वाला बाय फीस प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट रिसिव बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है वो आ जाता है बाय एंट्रेंस फीस रिसीव बाय इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ठीक है इंटरेस्ट ऑन फिक्स विद बैंक बाई मिसलेनियस रिसीव बाई लोकल रेंट रिसीव बाई हॉल रेंट हायर ऑफ ग्राउंड यह सब रिसीव सब रिसीव वाला जनरल डोनेशन रिसीव बाई सेल ऑफ ओल्ड मटीरियल मैगजींस बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट फिक्स

चैरिटी शो एक्सपेंसेस कन्वेंस एक्सपेंसेस ऑनोरेरियम ओनोरेरियम होता है मान लो कोई संस्था है कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेहमान वगैरह आते हैं उनके आदर सत्कार पे जो खर्च होता है उसको ऑनोरेरियम बोलते हैं ठीक है भी बोलते हैं कई बार सब्सक्रिप्शन पेड फॉर पीरियडिकल्स ऑडिट फीस ऑफिस एक्सपेंसिस और जो आपकी ये जो बैलेंसिंग फीकर आती है इसको बोला जाता है सरप्लस मैं बता रहा था आपको इसका नाम भी है ध्यान से देखें अगर आप ये देखो क्या नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दिस वन जो लिखा है ये एवं इसका मतलब क्रेडिट साइड इनकम साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर पे तो सरप्लस आता है और यहाँ बदले में जो क्रेडिट साइड देखेंगे क्रेडिट साइड पर चीज़ों फूड स्टफ खरीदते हैं वो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स वो बाय रिसीव फ्रॉम चैरिटी शो वो रिसीव्ड आता है बाय डेफिशेट ये डेफिशेट ये भी बैलेंसिंग कराती है कोई भी एक आता है ठीक है और ये एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम रिवर्स मतलब ये डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट पे और ये सरप्लस में क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट पे कोई भी एक बैलेंस फिगर आती है इसमें एक दोनों नहीं आती या तो ये आती है या फिर ये आता है सरप्लस या डेफिसिट ठीक है तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बताया है लगभग सारी बातें इसमें आ रही हैं तो आई होप यू मस्ट क्लियर अच्छे से पता लग गया होगा अब थोड़ा सा इसके बारे में हम निचोड़ नेट निचोड़ पढ़ते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है आय और आ, खर्चा या वह खाता बोलते हैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्ज द सेम प्रॉफिट फॉर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइजेज इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है बट ये एन पी ओ उसके लिए बनाया जाता है दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यान रखना ये एक नॉमिनल अकाउंट है जबकि हमने पढ़ा था रिसीप्स और पेमेंट अकाउंट के बारे में रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हम पढ़ रहे थे वो था एक रियल अकाउंट रियल अकाउंट ठीक है ध्यान रखना और ये कौन सा अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है नॉमिनल का मतलब होता है नोट सी नोट टच नोट सी नॉट टच इसमें जो खर्चे आते हैं या इनकम आती है ना उन्हें देख सकते हैं ना उन्हें टच कर सकते हैं ठीक है तो ये नॉमिनल अकाउंट है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक््रोअल कॉन्सेप्ट बनता है इसमें आउटसेंडिंग वगैरह सारे आते हैं अकॉर्डिंग टू विच एवरी ट्रांजेक्शन विच बिलोंग्स टू करंट ईयर शुड बी रिकॉर्ड इन दी बुक्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर वेदर पेमेंट इज मेड अट ये आपको पहले भी बताई थी बात फिर बता रहे हैं हम कि इसमें इस साल जो खर्चा हुआ है वो दिखाते हैं चाहे वो आउटस्टैंडिंग आउटसेंडिंग रिपोर्ट हो ठीक है पेड हुआ हो या ना हुआ हो ऐसे ही इनकम जो इस साल की है इस अकाउंटिंग ईयर की वो दिखाते हैं चाहे वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो तो इसमें आपका करंट ईयर का जो होता है स्पेशल करंट ईयर का बनाया जाता है ये तो स्ट्रिक्टली बनता है करंट ईयर ठीक है करंट ईयर ध्यान रखना ये करंट ईयर के लिए बनाया जाता है करंट ईयर के लिए स्पेशली और इसके फीचर जो अपने सारे चीज़ें पढ़ी उसके वेस्ट में कह सकते हैं नंबर एक इट इज़ अ नोमिनल अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है जबकि रिसीप्स और पेमेंट एक रियल अकाउंट है नो कैपिटल आइटम इज एंटर्ड इन दिस अकाउंट कोई भी कैपिटल आइटम नहीं आते ध्यान रखें आपको कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट के बारे में पता लग गया होगा क्या कैपिटल आइटम इसमें नहीं आते हैं ओनली रिवेन्यू आते हैं और इसकी डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसिज आते हैं डेबिट साइड एक्सपेंडिचर की होती है पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होती है और क्रेडिट साइड इसकी होती है सारे के सारे इनकम्स आती हैं उसमें सेम पीरियड की ठीक है नो ओपनिंग क्लोजिंग वाले सारा रिकॉर्डेड ओपनिंग क्लोजिंग वाला रिकॉर्ड नहीं होते हैं इसमें कोई दिस अकाउंट इज प्रीपेयर इन द सेम मैनर इन विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रीपेयर जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है बिल्कुल वैसे बनाया जाता है ठीक है बस इसमें लास्ट में जो बैलेंस निकलता है क्रेडिट बैलेंस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस को इसको इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम सर इसका नाम होता है सर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफ़िट ठीक है ये वाला लेकिन हम सरप्लस लिखते हैं इसे और इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम और ओवर एक्सपेंडिचर इनकम साइड ज़्यादा एक्सपेंडिचर पे और इसका जो डेबिट बैलेंस होता है उसको बोल है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम और हम इसको ये भी कह सकते हैं डेफिसिट बोला जाता है इसको डेफिसिट ठीक है ये लॉस होता है एक तरह से लॉस होता है ना जो लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो आता है ठीक है तो ये सारे फीचर्स आपको अच्छे से पता लग गए होंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है आई एक न्यूमेरिकल की सहायता से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं फॉलोइंग इज द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न फॉर द ईयर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू आपको थर्टी फर्स्ट मार्च टू का कोई मॉडर्न पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न कोई मॉडर्न है उसका रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है किसी क्लब का तो हमसे कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ तो ये क्वेश्चन है ठीक है रिसप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है और ये हमें बनाना है और यहाँ फॉर द ईयर एंडेड लिख देते हैं हम इसने लिखा नहीं है आप लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है ईयर एंड डेड ये फॉर्मेट होता है ठीक है ये डेबिट साइड सारी इनकम्स आती हैं ये क्रेडिट साइड सारे एक्सपेंडिचर आते हैं तो इसमें से आपको क्या करना है आप एंड पेमेंट अच्छा ये क्रॉस ट्रांसफर होता है हमेशा ध्यान रखना यहाँ के जो आइटम है सारे यहाँ 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 इधर ट्रांसफर होंगे और यहाँ के जो सारे आइटम है इधर 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 ट्रांसफर होंगे क्रॉस चलता है हमेशा रिसीव साइड आते हैं इन एक्सपेंडिचर साइड और पेमेंट साइड सारी आती हैं ठीक है इधर तो ध्यान रखना तो इनकम और एक्सपेंडिचर हम कैसे बनाते हैं थोड़ा सा यहाँ ये जो हैडिंग है देखो ये गलत दे रखा है यहाँ एक्सपेंडिचर आते हैं सारे एक्सपेंडिचर और ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर ये दिस वन ये नहीं आएगा ठीक है ये इनकम आती हैं सारी क्या आती है यहाँ पे आ, इनकम आ, इसे हम कह सकते हैं न, इनकम ये आती है मे पेमेंट साइड जो है सारी की सारी एक्सपेंडिचर में आती है रिसीव साइड सारी की सारी इनकम में आती है ठीक है पढ़ते हैं इधर ध्यान से देखें इसमें से हम पहले पेमेंट साइड देख रहे हैं दिस वन तो पेमेंट साइड में पहले मैच एक्सपेंसिव है सिक्सटी एट हंड्रेड के तो अगर मैच का कोई फंड है तो उसमें से एक्सपेंसिव घट जाएंगे तो ये वाले तो खैर नहीं आ रहे एक्सपेंसिव मैच के क्योंकि इस फंड में से लेस हो जाएंगे इसमें से ठीक है रेंट देखो नाइन्टी सिक्स हंड्रेड का ये आ जाएगा ये रहा नाइन्टी सिक्स हंड्रेड का रेंट इस क्रॉस जाएगा हमेशा सारा आइटम क्रॉस जाएंगे सैलरीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड की ये आ गई ट्वेंटी फोर थाउजेंड की सैलरीज ध्यान से देखें और सेंड्री एक्सपेंसिज हो गए थर्टी सिक्स हंड्रेड के ये थर्टी सिक्स हंड्रेड के आ गए उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज ये नहीं आएगा न्यूज़पेपर पेपर सेवन फिफ्टी का ये आएगा येरा दिसवन रिवेन्यू है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्योंकि एसेट नहीं आएगी बाय बैलेंस ये भी नहीं आएगा ठीक है और इधर बैलेंस बी डी नहीं आएगा सब्सक्रिप्शन फिफ्टी सिक्स फोर हंड्रेड ये आ जाएगा येरा दिसवन इंटरेस्ट रिसीव वाला है ये क्योंकि ये रिसिव साइड है तो इंटरेस्ट आ जाएगा थ्री हंड्रेड रुपीज़ येरा डोनेशन सिक्स थाउजेंड रुपीज़ की ये री सिक्स थाउजेंड की डोनेशन बिल्डिंग फंड ये स्पेशल नेचर है ये नहीं आएगी मैच फंड ये भी नहीं आएगा मिसलेनियस से रिसिप्ट फोर थर्टी का ये आ जाएगा ये रहा दिस वन सेल ऑफ ग्रास हंड्रेड रुपीज़ की आ जाएगी कहने का मतलब जो जो आइटम रिवेन्यू नेचर के वो आएंगे बाकी नहीं आएंगे ठीक है अब जरा ध्यान से देखें अगर आप ठीक है क्या है आ, ये थोड़ा सा थो मिस प्रिंटिंग हो होगी ये एक्सपेंडिचर आएगा और ये जो होता है ये इनकम है इनकम क्रॉस आता है अगर आप बहुत ध्यान से देखो जो येलो येलो आइटम्स हैं दिस वन दिस वन दिशवन दिसवन दिसवन ये सारे कैपिटल नेचर के हैं जो 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 भी क्वेश्चन में बता रहा था यह सारे के सारे कैपिटल रिसिवट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं बैलेंशीट में आएंगे ये लिखा हुआ बैलेंस शीट में ये यहाँ नहीं आएंगे इसके बाद जो भी पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसको आप टोटल कर लेंगे तो आपका ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है सिक्सटी थ्री थाउजेंड थ्री ट्वेंटी ये साइड जब टोटल करेंगे ये सारी चीज़ें घटा देंगे तो आपका ये वाला बैलेंस आ जाएगा इसका नाम है सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो ये एक तरह से नेट प्रॉफिट हो गया है जैसे आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं ठीक है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेट प्रॉफिट निकलता वो यही है और ये बैलेंसिंग फिगर है ये हम निकालिए सरप्लस निकल कर आया है यहाँ पर ठीक है आई होप काफ़ी हद हाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी हम एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं इससे सारी बात क्लियर हो जाएगी फ्रॉम दी फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग रॉयल क्लब ग्रीन पार्क आपको क्या बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है फिर भी आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है ये मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से सारे आइटम इधर आते हैं और यहाँ के सारे आइटम इधर आते हैं ठीक है ये सब क्रॉस चलता है और ये जो नाम है ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है और ये जो साइड है आपकी ये इनकम साइड है इसमें रेवेन्यू नेचर के आइटम छाटने हैं आप जैसे कैश इन हैंड ये नहीं आएगा टू बैंक बैलेंस ये भी नहीं आएगा सब्सक्रिप्शन फिफ्टी टू वन हंड्रेड देखो येरा फिफ्टी टू वन हंड्रेड टू कैंटीन रिसिप्ट सिक्स थाउजेंड की आ जाएगी येरी उसके बाद क्या है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड ये आ जाएगा रिवेन्यू है क्योंकि ये सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा ठीक है लेकिन एक बात ध्यान रखना इसकी बुक वैल्यू थी फोर थाउजेंड और यही हमने बेच दिया कितने में सोलह सौ रुपए पे तो फोर थाउजेंड में से सिक्सटीन हंड्रेड घटाएंगे इसका लॉस हो गया ट्वेंटी फोर हंड्रेड का ये आ जाएगा आपका कैसे निकाला ये फोर थाउजेंड तो उसकी बुक वैल्यू थी माइनस उसमें से जितने का बेच दिया वो हमने घटा दिया तो हमें लॉस हो गया चार हजार का आइटम सोलह सौ में बिका तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड का लॉस लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है ठीक है उसका लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से पता लग रहा है नहीं आएगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फोर्टीन हंड्रेड ये आ जाएगा रिवेन्यू नेचर का दिस वन और सैलरीज आएगा बीस हज़ार सो यरा दिस वन ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस एटी सिक्स हंड्रेड जो रेवेन्यू के खर्चे हैं वो सारे आएंगे लेकिन कैपिटल नेचर नहीं आएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेवनटीन ट्वेंटी ये आ जाएगा दैट दिस इज रेंट सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यह आ गया फोर फिफ्टी का कैंटीन एक्सपेंसिज होगा ये आ गए और बस गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं आएंगे बिल्डिंग परचेज नहीं आएगी बैलेंस क्लोजिंग का नहीं आएगा और ये बैलेंसिंग निकाल दी ठीक है तो इसमें सिर्फ रिमेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगे तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी इसमें एक चीज़ और देखें कि जितने भी ये कलर वाले हैं येलो रेड पिंक ये सारे आइटम कैपिटल रिसिव्ड के हैं ये वो पीछे वाला ही क्वेश्चन है कोई अलग नहीं है ये सब कैपिटल रिसिव्ड के हैं ठीक है बस यहाँ ये ध्यान रखना ये सारी एक्सपेंडिचर साइड है और ये सारी इनकम साइड है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है तो ये डेबिट होता है आपको पता है सारे एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं सारी इनकम क्रेडिट होती है और ये क्रॉस जाता है सारे के सारे आइटम ऐसे आएंगे और इसके सारे के सारे आइटम ऐसे आएंगे और जो येलो नेचर के हैं वो सारे कैपिटल अशीप जो बैलेंस शीट में आते हैं यहाँ कोई भी नहीं आएगा ये कैपिटल चीप के आइटम है सेम है तो आई होप ये आपको बहुत टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक करें अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैंने टोटल इस पूरे एन पे आठ वीडियोज़ बनाई हैं आप इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखें और भी मैंने अकाउंट बेचेस की बहुत सारी वीडियो बनाई है आई जो बटन ऊपर आ रहा होगा उसमें सजेश करके लिखा रहा हो रहा होगा ऑनलाइन में भी आपको वीडियोस मिलेंगी तो अगर आप सारा सिलेबस ध्यान से देखते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपको कहीं और कोई कोचिंग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद